दोस्तों मेरे YouTube चैनल धनपाल फूड होटल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आप लोग आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि कोई भी आप रिकॉर्ड कंपनी में अप्लाई करेंगे, कोई भी रिकॉर्ड आप बनाएंगे तो उसके लिए आपको 5 से 6 पॉइंट में आपको डिस्कस करने वाला हूँ आज के वीडियो में दोस्तों, कि आप कोई भी रिकॉर्ड जब अपना नाम दर्ज कराएंगे जैसे कि आप रिकॉर्ड होल्डर हैं या नया रिकॉर्ड आप स्थापित रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं तो उसमें आपको 4 से 5 बातें मैं बताने जा रहा हूँ वो आपको होती है। पहला दोस्तों सब पहला है कि आप उसका देखिए कि उसका वेबसाइट वगैरह है कि नहीं। दूसरा उसका GST नंबर है कि नहीं, क्योंकि वो आपको जब घर डिलीवर करेगा सर्टिफिकेट मेटल तो उसमें GST नंबर होना चाहिए। तीसरा MSME मतलब कहने का मतलब है दोस्तों कि MSME मतलब गवर्नमेंट के द्वारा माइक्रो स्मॉल मतलब कोई भी कंपनी जब खुलता है तो MSME से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। चौथा ISBN नंबर मतलब कि दोस्तों जब भी कोई रिकॉर्ड होल्डर का किताब छपता है तो ISBN नंबर होना बहुत ज़रूरी है। ईयर बाय ईयर साल भर साल ये बुक छपता है तो इसमें ISBN नंबर का ज़रूरत होता है। उसके बाद दोस्तों RNA नंबर भी होना चाहिए, और नहीं भी होता तो चलेगा मगर RNA नंबर ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं कि होना ही चाहिए। उसके बाद आपको IPN ट्रेड लोगो, कहने का मतलब है दोस्तों कि IPN ट्रेड मतलब लोगो, जैसे कि आपका कोई कंपनी है और कोई अदर पर्सन आपका लोगो को चुराने का मतलब उस आपका सेम टू सेम आपका लोगो इस्तेमाल करता है तो IPN नंबर लोगो होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि कोई आपका लोगो चोरी करे या अपना वेबसाइट पर लगावे तो आप डायरेक्ट उसको कॉपीराइट क्लेम मार सकते हैं या आप उस पर एक्शन ले सकते हैं, जिससे कि कोर्ट में FIR दर्ज होगा और आप पे एक्शन लिया जाएगा। तो ये सब 4 बात 5 बात जो मैं आज के वीडियो में बताया हूँ आप उन लोगों को देखिएगा। और कोई भी गूगल और एक चीज़ इम्पोर्टेंट चीज़ दोस्तों कि रिकॉर्ड बनाने से पहले आप गूगल पर सर्च कीजिएगा कि कौन सा कंपनी सही है, फेक है, फर्जी है, आपको पूरा गूगल बताएगा। तो वीडियो को मैं यही समाप्त करता हूँ दोस्तों, मिलते हैं और भी इसी इंटरेस्टिंग के साथ दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।